हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार कांती। आज हम सीखेंगे मोडिंगो ऑर्गेनिक्स के अंदर कैसे केवाईसी अपलोड करें। पहले आपका मोबाइल हो और कंप्यूटर, उसका गूगल क्रोम के अंदर जाना है और सबका ऊपर लिखना है लाइफ LIVE.mymoringo.com। उसके बाद ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। आपका आईडी और पासवर्ड देके इनको लॉगिन करना पड़ेगा। आपका आईडी ओपन हो गया और जो ऊपर तीन रेखाएं दिखाई दे रहा है राइट साइड में, उधर प्रेस करना है। एक जो चार्ट चलाया, चार्ट का लास्ट का एक घर ऊपर लिखा है अपलोड डॉक्यूमेंट, उधर प्रेस करना है। यहाँ पे तीन स्टेप चलाया, मिडिल में लिखा है केवाईसी डॉक्यूमेंट, उधर जाना है। इधर आपको आपका फॉर्म को अपलोड करना है। पहला जो लिखा है डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन फॉर्म फॉन्ट, यानी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका पहला पेज को इधर अपलोड करना है। सेकंड में लिखा है डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन फॉर्म बैक, यानी आपका जो फॉर्म का सेकंड पेज है इधर उसको अपलोड करना है। आपका पास फॉर्म नहीं है तो आइए देखता है किधर आपको फॉर्म मिलता है। आईडी का पहले जाना है और जो नॉलेज वाला ऑप्शन है उसको प्रेस करना है। उसको प्रेस करने के बाद तीन ऑप्शन मिल जाएगा और पहला जो ऑप्शन है न्यूज़ वाला ऑप्शन, उसको प्रेस करना है। पे जो सिक्स नंबर ऑप्शन है उधर लेकर है डाउनलोड डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म, उसको डाउनलोड कर लेना है। आपका पास प्रिंटर नहीं है तो आजू बाजू में कोई कंप्यूटर कैप जाके इसको प्रिंट आउट करके लेके आना है और उसके बाद इसको कैसे फिलअप करता है आइए देखते हैं। पहला स्पॉन्सर इंफॉर्मेशन में स्पॉन्सर नेम और टाइटल और स्पॉन्सर का आईबीओ नंबर देना है। नेक्स्ट एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन में एप्लीकेशन का फर्स्ट नेम देना है और नीचे लास्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ नहीं लिखना है। उसका नीचे फादर्स नेम देना है, टाइटल जो है वो एक साथ ही देना है। जो जेंडर है मेल ना फीमेल वो लिखना है, ब्लड ग्रुप क्या है देना है, फोटो लगाना है और फोटो के साथ साथ सिग्नेचर जैसे किया ऐसे करना है। परमानेंट अकाउंट नंबर में आपका पैन कार्ड नंबर देना है। आईवीओ नंबर में आपका जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आईवीओ नंबर मिला है वो देना है। डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ, पहले डेट उसके बाद मंथ उसके बाद ईयर लिखना है। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है नॉमिनी नेम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप खो जाने के बाद आपका जो इनकम आने लगा है वो इनकम जो नॉमिनी नेम है उनको मिलेगा, तो ये आप सोच समझ के ये नाम लिख दीजिए और उसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो लिखना है। एड्रेस डिटेल्स में पहला आपका विलेज का नेम क्या है, उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस, उसके बाद पीएस यानी पुलिस स्टेशन, उसके बाद सिटी, या पे आप आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम भी दे सकता है, उसके बाद स्टेट का नेम है, उसके बाद पिन कोड क्या है वो लिखना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो देना है और उसके नीचे जो ईमेल है आप रजिस्टर करने के टाइम जो ईमेल नंबर दिया हुआ है वो उधर लिखना है। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स में ज़्यादा लोग जो गलती करता है, पहला जो ऑप्शन है बैंक अकाउंट नेम, या पे आपका जो बैंक का पासबुक है उधर जो लिखा हुआ है वही देना है, वो हो करके उधर एडिट नहीं करना है, जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग ही देना है। इधर बहुत सारा आदमी बैंक अकाउंट नेम में बैंक का नाम लिख देता है लेकिन इधर आपका नेम होगा, उसका नीचे बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, उसका नीचे बैंक नेम यानी आपका जो बैंक का नेम है उधर लिखना है, ब्रांच आपका जो ब्रांच है वो लिखना है, आईएफएससी कोड में बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो क्लियर करके लिखना है। फॉर्म का जो बैक पेज है लास्ट में जाके लेफ्ट साइड आपको सिग्नेचर करना है और राइट साइड में आपको आपका एप्लीकेंट का नेम लिखना है और नीचे आईबीओ नंबर लिखना है। यहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटर गलती करता है, जो नेम ऑफ द एप्लीकेंट लिखा हुआ है इधर सिग्नेचर कर देता है लेकिन इधर सिग्नेचर नहीं करना है, उधर आपका नेम को क्लियर करके लिखना है और लेफ्ट साइड जिधर लिखा हुआ है सिग्नेचर एप्लीकेंट उधर ही सिग्नेचर करना है। और भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आप रजिस्ट्रेशन करने के टाइम जैसे जैसे आप फॉर्म फिलअप किया ऐसे करके आप केवाईसी फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका रिजेक्शन नहीं आएगा। आइए हम देख लेते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमको किधर मिलेगा। पहले आपका आईडी पे जाना है, उसके बाद इधर क्लिक करना है, उसके बाद जो माय प्रोफाइल है उसको क्लिक करना है, उसका नीचे जो पहला ऑप्शन है एडिट प्रोफाइल इसको क्लिक करना है। आपका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है,
ये देख देख के फिलअप करेंगे तो रिजेक्शन आने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। आइए अभी हम केवाईसी अपलोड करेंगे, उसका पहले आपका मोबाइल का अंदर आपका जो फॉर्म है उसका फ्रंट पेज, बैक पेज, आपका बैंक का पासबुक और सिग्नेचर प्रूफ जो है उसका कोई भी एक डॉक्यूमेंट जैसे रेशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी हो सकता है, उसको फोटो करके रखना है आपका गैलरी के अंदर। पहले यह पे क्लिक करना है, उसके बाद यह पे, उसके बाद यह पे, यह हमारा जो अपलोड का ऑप्शन है चला आया। इधर हमारा जो फाइल है उसको अपलोड करके फाइनली सबमिट करके देना है। पहला जो ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म फंड, यानी हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका पहला पेज को इधर अपलोड करना है। इसके लिए चूज ए फाइल इधर पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसे तीन ऑप्शन दिखाई देगा। पहला जो ऑप्शन है कैमरा, आप उधर पेस्ट करके डायरेक्टली आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका फोटो करके भी दे सकते हो, और आपका फ़ोन का गैलरी के अंदर है तो आपको आपको जो डॉक्यूमेंट ऑप्शन है उधर पेस्ट करना है। नेक्स्ट ऐसे पेज ओपन हो जाएगा और आपका जो गैलरी है उधर जाना है, और गैलरी ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो ऊपर नीच करके आपको ढूंढना है। गैलरी जाने के बाद आपका जो फॉर्म का फ्रंट पेज है उधर एक बार प्रेस करना है। उसके बाद सेकेंड जो ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम बैक, उसका फोल्डर का नीचे चूज ए फाइल का अंदर जाना है। एकदम सेम सिस्टम में जो फॉर्म का बैक पेज है उसको भी अपलोड करना है। नेक्स्ट बैंक का जो पासबुक है उसको फ्रंट पेज को अपलोड करना है। एट लास्ट सिग्नेचर प्रूफ का एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। सारे फाइल सिलेक्ट होने के बाद फाइनली आपको नीचे जाके सबमिट करना है। और एक बात याद रखना, कोई भी फाइल का साइज 4 MB का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 MB का ज़्यादा होगा तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। आपका फ़ोटो का साइज़ 4 MB का ऊपर हो रहा है तो इसको बिलो करने के लिए एक तरीका है, आप फोटो को स्क्रीनशॉट कर लेता है तो इसका जो MB है वो घट जाता है। सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद ऑटोमेटिकली सबमिट का नीचे ये 4 ऑप्शन चला आएगा और आपको ये देख लेना है। और जो स्टेटस इधर देख रहा है, इधर मेरा अप्रूव लिखा हुआ है, हालांकि मैं बहुत दिन पहले एक कर चुका हूँ इसलिए अप्रूव है। उधर जो नया नया कर रहा है वहाँ पे अनवेरीफाइड लिखा दिखाएगा और 2-3 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिकली वो अप्रूव हो जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं होगा तो उसको फिर से डालना पड़ेगा। 2-3 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली आपका स्टेटस अप्रूव नहीं हो रहा है तो आपका सपोर्ट टिकट के अंदर जाके लिखना है प्लीज़ वेरीफाई माई KYC डॉक्यूमेंट। सभी मुड़िंगनियन को मेरा निवेदन है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और दूसरे को मदद कीजिए। जय मुड़िंगो।